सो गाइस, इस वक्त जो है सुबह के जो है 12 बज रहे हैं और मैं जो हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है आज। तो नाश्ता करने के बाद जो है फिर तैयारियाँ करेंगे, सब जो है ना इधर से उधर बस भागे जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या रूटीन रहती है। तो फहीम जो है वो बाहर गए हुए थे और अभी आ गए हैं। घर की सब सफाई वगैरह की है, अभी थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह निकाली है। और कमरे में जो है, ये आप देख सकते हैं मटकियाँ, इसके अंदर हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ये रेडी हो चुकी हैं। इसके के क्या होता है, खैर मुझे भी नहीं पता क्या होता है, मन्नत होती है, मन्नत। तो ये मटकियाँ भर दी गई हैं और सफाई भी हो रही है, तैयारियां भी हो रही हैं। तो नाजरीन, नाश्ता इज रेडी और नाश्ते में बन हैं, पापे हैं और एग्स, इसमें क्या है, इसमें पापे ही हैं, बिस्किट है, इसके अलावा बिरयानी है। ये मतलब ऑड चीज़ आ गई है नाश्ते में हमारे। बिरयानी कौन लेके आए? जी, हम टेस्टिंग के लिए लाए ना, टेस्टिंग के लिए। वैसे टेस्टिंग होता है लेकिन टेस्टिंग कह रहे हैं। यस, और मैच भी आ रहा है। मैंने दूसरे चूल्हे पे ग्रिल तो रखे, तो यहाँ पे जो है वो सरसों पक रहा है। मैंने पानी इसको खला के खूब उसमें कर भिगो के बहुत सारा डाला है, क्योंकि दो नंबर लोग दो नंबर चीज बिछा रहे हैं, तो लौंगे और छोटी इलायची डालिए। अभी सिर्फ इतना ही काफी है, ज्यादा वजन सह नहीं सकता। फिर इसकी छलाई होगी, छानने के बाद मैं क्या करूंगी, मुझे आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा। और ये जो है ना, इसमें छानने का रखा हुआ है और सफाइयाँ जोरों शोर से जा रही हैं, सफाई। और ये ड्राइंग रूम की तो हो चुकी है, ड्राइंग रूम की सफाई हो गई, यहाँ की भी हो गई, मामी के रूम की भी हो गई और अब किचन की हो रही है। और बाकी जो है कपड़े भी इस्त्री हो गए हैं, कपड़े भी लटका दिए हैं। बना ली जी। और ये यहाँ पे जो है नाश्ता भी कर लिया है, तो अब आगे देखें होता है क्या। तो ये ज़रदा जो है अब पानी निकल रहा है गर्दे में से और चावल अलग हो रहे हैं। क्या करेंगे इसकी, तो ठीक है चीनी चलिए। अरे वहाँ खोपड़ा और कुछ कुछ ये भी डाल देंगे, तो ये भी डाल दिया। अब हम इसमें वो डालेंगे, वो केवड़ा देखो कहाँ रखा है। और इसमें डले का तेल भी छेटो, पतीली गर्म हो रही होगी। क्या है जूठा रखा हुआ है, कोई फातिया का झूठा नहीं, कोई फातिया का, तो वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जा रही हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं मलाइका को, वो तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे मेरा मेकअप मेकअप चल रहा है और ये मेरे सूट का दुपट्टा है जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे माँ अपने मेकअप कर रही है और जो है ना, पता नहीं लाइट कब आएगी और ऊपर सारा अरेंजमेंट हो गया है। और ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमारे घर में क्या है। हमारे घर में जो है वो आज मिला दे, तो अब जो है ऊपर मिला शुरू हो गया है, तो हम सब अब ऊपर जा रहे हैं। रात में मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि हमने कैसी डेकोरेशन की है। अभी खैर अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा, ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ऊपर चलते हैं। कैसा
जब से रंग दी मगर उसको अल्लाह के कर्म का नहीं पता था कि जैसा कर्म है वैसा ही औजाद भी है उसका उस जात का जो बड़ा खफार है बड़ा सत्तार है बड़ा रहम दिल है बड़ा रहीम है बड़ा करीम है और बड़ा कहर ढालने वाला भी। जब सजदा करवाया तो अल्लाह ने खुद नहीं किया, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था हजरत आदम के अंदर सीने में, वो फरिश्तों ने देखे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सजदा नहीं करवाया क्योंकि इंसान को सजदा जारी थी नहीं, अल्लाह ताला को, वो उस नूरे मोहम्मदी को करवाया था जो मेरे नबी। सुभान अल्लाह, जरूर करना, कोई पैसा नहीं, कोई पाई नहीं, कोई गैस नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुभान अल्लाह कहना, जितने दफा कहेंगे उतने ही जन्नत में हमारे दर लगेगा। पिछले साल तुम अपनी बहन को लेकर आई थी मेरे पास स्टेज, क्या मेहंदी चूड़ियां दी, माशाल्लाह हो गई ना उनकी, तो उन्होंने आके कर दिया था, कर दिया था तो उन्होंने चढ़ाया था। चलो अल्लाह की बेटी की तैयारी में लगी हुई है। अच्छा चले ठीक है। अजान का सिलसिला वो हो जाएगा। पंचन के आप जिस घड़ी महराज को गए, लौलाद का ताज तो सेरा दुरूद का, अल्लाह सबके सर पे हो साया दुरूद का। मैंने एक सवाल किया था कि हमारा हज उमरा नमाज नफिल ज़कात फितर ये सब ज़न्नी है कबूल है, वो कबूल करे या ना करे उसकी मर्ज़ी, लेकिन दुरूद शरीफ हर हालत में कबूल है, कबूल है। क्यों क्यों कबूल है किसी को पता है? हाथ उठाओ कि दुरूद शरीफ क्यों कबूल है, बताए किसी को, बताए क्यों कबूल है, हाथ उठाओ ऐसे करके। कितनों को कबूल है कि दुरूद शरीफ कबूल है, कबूल है, और इबादत की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। देखिए दुरूद शरीफ की गारंटी मोहर लगी है, ये कबूल है, कबूल है। अगर मैं बातें कर रही हूँ और दिल में पढ़ लिया गाना गिर गया वो भी कबूल है, क्यों नहीं पता? इसका मतलब हाथ में उठा नहीं पता। अब मैं बताती हूँ क्यों क्यों कबूल है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला खूब पढ़ता है, बच्चे करिए अल्लाह ताला खुद पढ़ता है, सही करिए बच्चे। कुरान पाक कह रहा है कि अल्लाह ताला पढ़ना छोड़ पढ़ो, लेकिन और इबादत की कोई गारंटी नहीं है, कबूल नहीं है। लेकिन दुरूद शरीफ कबूल है, कबूल है। हम बातें कर रहे हैं और गाना गिर गया वो भी कबूल है। नगरिया से आया चादर की थे नगरिया से आया। हम गुनाह कर देते हैं और भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बड़ा करम करने वाला है मौला हमारे सब गुनाहों को नेकी में बदल दे, परवरदिगार हमें पांच वक्त का नमाजी बना दे, इशराक इशाक तहजुद का आदि बना दे। मौला हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, हमारे गुनाहों को छुपे हुए गुनाह, जाहिर गुनाह, छोटे बड़े गुनाह, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा उनको माफ कर दे मेरे मौला। जानबूझ के गुनाह किए, भूल चूक से किए, अनजाने में जाने में अनजाने में गए, मौला माफ कर दो गुनाह को, नेकी में बदल दे मौला हम सबके ऊपर, जो जिंदगी गुजार रहे हैं अभी हमें भी तेरे पास आना है मौला, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता कर, मरने की कोई तैयारी नहीं करी मेरे मौला, जीने की तैयारी कर रहे हैं मौला। कफ मौला कफ मौला कफ
कफन पहनने की तैयारी करते रहे मौला हमारे, मौला हमारी इबादत को कबूल मत कर, जो भी हम टूटी फूटी करते हैं मेरे बंदे, हमें ऐसा लिबास अता कर दे जो तुझे पसंद हो, हमें ऐसा नाम अता कर दे जो तुझे पसंद हो, हमें ऐसा घर अता कर दे जो तुझे पसंद हो, मौला हम सारा दिन सारी रात गुनाह करते हैं और सुबह तू अपने फरिश्तों को भेज देता है मेरे मौला, रिजल्ट देख मौला तू कितना करीम, मौला ये जो सब खवातीन बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो टैग चला रहे मेरे मौला, इनकी जो दिल की तमन्ना है, जो हाजत है, जायज हाजत है पूरी कर, मौला करीम मैंने तो पेट भर के खा लिया, फहीम ने बिल्कुल भी नहीं खाया। आप भी खा ले, आप भी खा ले। तो वहाँ पे जो एसी थी जबरदस्त है, वहाँ पे एक छोटी देग अभी बिल्कुल भी नहीं खुली है और बाकी एक माशाल्लाह खाली हो गई है और वो अंकल खाएंगे और दूसरी खाली होने वाली है ये री, जो बिल्कुल खाली हो चुकी है और ये भी खाली हो रही है। बाहर जो है वो बातें हो रही हैं, खाना खाया जा रहा है, लंगर ये देख सकते हैं हम, ये देख वाह आपने आपने खूब मसाले वाली निकाल के दी है इनको। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी खाना खाया जा रहा है, ये देखें आप खूब पोटियाँ तोड़ी जा रही हैं यहाँ पे भी। वो भिजवाने का लंगर निकल रहा है, आप देख सकते हैं ये फाइन देके आएंगे लोगों के घर को, घरों पे। तो ये जाने का निकल रही है, जाने का खाना निकल रहा है, अभी थैलियाँ भी बनेंगी, ये थैलियाँ रखी, ये थैलियाँ रखी हुई हैं, ये थैलियाँ भी बनेंगी अभी सारी जमा पैंट। तो अभी तक जो है वो बिल्कुल भी फारिग नहीं हुए हैं, देखते कब फारिग होते हैं। खाना शुरू किया है, बहुत मज़े का, और वहाँ पर थैलियाँ बन रही हैं, क्या बिरयानी बनेगी, और फहीम से पूछते हैं बिरयानी कैसी है। हाँ भाई तबाही तबाही तबाही, इट इज नॉट बिरयानी, इट इज तबाही। यो कितना मसाले वाली है। हाँ तो ये बिरयानी फहीम खा रहे और जाने की निकल रही है, आखिरी देख जो है वो खुल चुकी है, लास्ट गुल्लू भाई की भी निकाल देना है, एक थैली ना, और गुल्लू भाई की भी निकाल दीजिएगा, एक थैली गुल्लू भाई की। सेवन अप बाहर सारे बैठे हुए सर्दी में जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और ये यहाँ पे निकाल निकाल के दे रहे जहर, जहर निकाल के वहाँ पे आप देख सकते हैं सब जहर पी रहे बैठे हुए, ये लेके आए और यहाँ पे जो है ना निकल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो व्लॉग जो है वो हमारा किसी भी वक्त ख़त्म होने वाला है क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया, और ये देखें पूरा काम तमाम करने के लिए ये क्यूज भी लिया है यार, वो नहीं है कोई प्लेट में गिरेंगे, सुबह सबके गले बंद हुए होंगे, सबके गले बंद हुए होंगे। फहीम का आखिरी काम घर की बिरयानी को ठिकाने लगाना, जो फहीम अब कर रहे हैं सबसे मुश्किल काम, मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं फहीम इस वक्त, घर की बिरयानी को ठिकाने लगा रहे हैं। मेरी तो पूरी हिम्मत ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब सिर्फ फहीम और मलाइका करेंगे जो करेंगे। हाँ जी ये ले आपका स्लोमो, वो इन्होंने भी बहुत काम किया है आज, बड़ा मुश्किल काम होता है देख मुझे बिरयानी निकालना, क्यों वो 100 रुपए की प्लेट बना दिएगा, 100 की बना रहा हूँ बाजी, बाजी मैं बाजी हूँ आपकी, बाजी नहीं हूँ वैसे, ओवरऑल
बस अब हमारी इसी वीडियो में जो है वो व्लॉग एंड होगा, क्योंकि अब आगे और हिम्मत नहीं है कि हम आगे और कंटिन्यू कर सकें। यही बैठी रहो, ये ठिकाने लगानी है। ठिकाने मतलब फ्रिज में डालनी है। ये किसकी निकालना है, नीचे वालों की? ऐसे तो बाहर वाले भी नहीं निकालते जैसे आप निकालते। सही है, बस सही है। बहुत रोशनी हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, अजीब ही हो रहा है। यस, ब्लॉग खत्म कर दे। सुना है, ब्लॉग खत्म कर दे। भाई बिरयानी देख ले, माशाल्लाह अभी भी फ्रेश है। के साथ अल्लाह हाफिज़।